हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की मूवी डेविड एंड द एल्व्स को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेविड एंड द एल्फ ये मूवी आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को स्वीट सिंपल फील गुड वाली मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक एल्फ की जो कि सेंटा के साथ काम करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्कड हो चुका होता है, जिसके कारण वो धरती पर आ जाता है और वहाँ वो डेविड नाम के एक बच्चे से मिलता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक ही लगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, क्योंकि ये एक प्रॉपर फील गुड मूवी है। इसका ये मतलब है कि इस मूवी को देखने के दौरान आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी और जो कुछ भी राइटर और डायरेक्टर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे उसे आप इन्जॉय कर पाओगे। ऑल्दो ये पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखते वक्त अपना थोड़ा भी दिमाग लगाया तो इस मूवी में आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि लॉजिक और समझ से परे होगा, लेकिन फिर भी आप इस मूवी को एंजॉय करोगे और आप देखना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे इस मूवी में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, जिसके कारण आपको पहले से पता होता है कि ये मूवी आगे जगह कैसे एंड होने वाली है। इसलिए ट्विस्ट एंड टर्न्स की उम्मीद मत करना। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो दिखाई गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है, और जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स रहते हैं वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। ऑल दो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस मूवी को देखते वक्त आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो, और प्लीज़ लगाना भी मत। और जहाँ तक बात एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। किसी का भी काम ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन किसी का भी काम ऐसा नहीं है जिसकी बुराई की जाए। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का ठीक ठाक ही है और एडिटिंग भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को स्वीट सिंपल फील गुड मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। इसलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।